में क्या एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, मोमेंटम जीरो होगा। अगर सेंटर ऑफ मास ही रेस्ट में है यार, अगर पार्टिकल एट रेस्ट में है, समझना, पार्टिकल पहले से ही एट रेस्ट में है, तो अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका जो फोर्स एक्सटर्नल लगाना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब जीरो जीरो आ जाएगा। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनिशियली मास कम टू इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम में मूव। अभी आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा कि कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम अंदर में जो है पार्टिकल मूव कर भी सकता है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस की वजह से पार्टिकल मूव कर सकता है, बट नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स जीरो। देखो ऐसे समझो, कोई सिस्टम है जैसे बोट है, समझ रहे हो ना, बोट है, अगर इस बोट पे बहुत सारे लोग हैं, बोट है, ठीक, और अगर ये ऐसे रेस्ट में है तो इस पे एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा यार, तो एक्स एक्सिस में फोर्स जीरो है, तो अगर एक्स एक्सिस में फोर्स जीरो है तो एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो होगा, एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जीरो होगा, कुल मिला के सब जीरो 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 आएगा, ठीक है। चलो, या तो अगर ये, ठीक है, अगर ये आदमी मूव कर भी जाता है, अगर ये आदमी एक दूसरे से पोजीशन एक्सचेंज भी कर लेते हैं, तभी भी सेंटर ऑफ मास का यही सिनेरियो होगा, बिकॉज इनिशियली रेस्ट थे यार, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनली मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का तो जीरो ही होगा। चलो, देन ऑल द पार्टिकल एट रेस्ट, देखो अब ये जीरो सेंटर ऑफ मास का जीरो वाला एग्जांपल समझ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कब रेस्ट में रहे हैं, ठीक है। जैसे एक आदमी है, देखो एक ब्लॉक मूव कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ब्लॉक मूव करा नहीं पा रहा, इट अप्लाइंग फोर्स बट ब्लॉक डज नॉट मूव, ठीक है। हर पार्टिकल जो भी इस पे, वैसे तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स ने फ्रिक्शन को कैंसिल कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन को बैलेंस कर दिया, कुल मिला के ये ब्लॉक एट रेस्ट में है, ठीक है, एट रेस्ट में है। अब चलो इसको रेस्ट के कंडीशन को डिस्कस करो, रेस्ट में है तो हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो आ गया। तो इस केस में एक ऐसा एग्जांपल है जहां सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में था तो फाइनली भी रेस्ट में रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके फोर्स लगाने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ये ब्लॉक चला ही नहीं। चलो नेक्स्ट, ये देखो अब अगर पार्टिकल मूव करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। जब देखो यहाँ पर म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, ग्रेविटेशनल, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रहा है, देखो कि अगर ये जो फोर्सेज हैं दैट इज प्योरली इंटरनल फोर्स, पार्टिकल आर मूविंग सच दैट नेट मोमेंटम ऑफ जीरो, ठीक है, पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं कि उनका मोमेंटम जीरो होता है, इफ टू बॉडीज आर मूविंग ओनली ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। अब देखो अभी क्या, ऐसे मैं एक ब्लॉक है, एक स्टोन ला के ऐसे छोड़ दूं, ला के ऐसे जैसे ही रखूंगा, तो ऐसे मान लो ऐसे पड़े हुए हैं ये, तो इनके पास इनका सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या है यार, इनिशियली रेस्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में, क्योंकि हर पार्टिकल रेस्ट में इक्वल टू जीरो से इसे छोड़ा जा रहा है, ठीक है। और अगर इन पे जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, वो एक इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास को इफेक्ट नहीं करेगा, तो अगर ये मूव भी करते हैं तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं करेगा। देखो दे आर मूविंग, बट ये जो पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का होगा, दैट्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो मैं आपको यही बात तभी से समझा रहा था कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज होने वाला नहीं, पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों प्लस प्लस वाले हैं, तो छोड़ दूं तो ये रिपल्सन की वजह से मूवमेंट मूव करने लगेंगे, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा यार, बिकॉज सेंटर ऑफ मास ये इंटरनल फोर्सेस इफेक्ट नहीं होता है, तो इनका सेंटर ऑफ मास इनके मोशन से इफेक्ट नहीं होगा।